ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, जिसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऋषिकेश में आपने राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट तो सुने ही होंगे। ऋषिकेश में ऐसे ही कुल मिलाकर 21 जगहें हैं जो कि टूरिस्ट पैलेस हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 21 टूरिस्ट पैलेसों में से एक पैलेस 84 कुटिया, जी हाँ दोस्तों, 84 कुटिया या बिट्टल्स आश्रम की। ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया का निर्माण महर्षि महेश योगी जी ने की थी। जब 1960 में योगी जी इस स्थान के भ्रमण पर निकले तो उन्हें इस पावन क्षेत्र में मंत्रमुग्ध हो गए और 40 वर्षों के लिए स्थान उत्तर प्रदेश सरकार से पट्टे पर लिया और एक भव्य आश्रम की स्थापना कर डाली। इसे 84 कुटिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तुकला का बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलता है। यहाँ गुम्बद नुमा 84 कुटिया है और इसलिए इसे 84 कुटिया आश्रम कहा जाता है। यह सब सुनकर आपका मन भी 84 कुटिया को देखने के लिए मचल रहा होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ जाने के लिए एंट्री चार्ज लगता है और आप वो एंट्री चार्ज घर बैठे कमा सकते हो। चलो आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी पैसे कमाने वाली वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपको मिलता है 51 रुपये का रियल प्राइस जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर करते हो। आप यहाँ पर सारे मैचेस देख भी सकते हो और प्रेडिक्ट करके पैसे भी कमा सकते हो। और यही नहीं, यहाँ पे आईफोन, वन प्लस, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस जीतने का मौका भी मिल जाता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रेंडन मैकुलम। और हाँ, अगर आप बेजिक कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 150% बोनस आपके डिपॉजिट पर। आप यहाँ पर अपनी एक टीम ड्रीम 11 बना सकते हो, जैसे कि मोस्ट बेट फैंटेसी। और अगर आप अपने फेवरेट मेथड से पेमेंट डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलता है 60 रुपये का कैशबैक, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, UPI ETC। तो फर्स्ट कमेंट को चेक करना ना भूलना। फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रखा है, लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और अर्न करना शुरू कीजिए। और हाँ, याद है ना आपको कि जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर करोगे तो आपको 51 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। तो जाओ यार, ऐप्स को डाउनलोड करो। इस आश्रम को सबसे ज्यादा ख्याति तब मिली जब बिटल्स यानी अमेरिकन म्यूजिक बैंड यहाँ आए थे। कहते हैं कि ये बैंड ध्यान और शांति की खोज में यहाँ आए। वह योगी जी से इतना प्रभावित हुए कि वह एक महीने तक इस आश्रम में रहे और उस दौरान उन्होंने कई सारे गाने लिखे जो कि उस समय में सुपर हिट हुए थे। बिटल्स ग्रुप का 84 कुटिया में रुकने के कारण यह आश्रम बिटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। 1990 तक यह आश्रम चलता रहा। महर्षि महेश योगी जी के जाने के बाद धीरे धीरे यह स्थान खंडरों में तब्दील हो गया और वर्ष 2000 को उत्तराखंड स्थापना के बाद पुनः वन विभाग को यह दे दिया गया। राज्य स्थापना के बाद यह स्थान खंडर पड़ा रहा, लेकिन फिर इसे पर्यटन के लिए खोला गया। आज ही 84 कुटिया बिट्टल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ घूमने जा सकते हो। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 से शाम की 4 बजे तक। अगर आप भारतीय हो तो आपका एंट्री चार्ज होगा 150 रुपया। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हो तो आपको पड़ेगा मात्र 75 रुपया। अगर आप स्टूडेंट और 18 साल से ऊपर के हो तो आपको पड़ेगा मात्र 75 रुपया। और अगर आप 18 साल तक के और स्टूडेंट हो तो आपको पड़ेगा 40 रुपया। लेकिन अगर आप विदेशी हो तो भैया आपको पड़ेगा 600 रुपया। तो यह है 84 कुटिया का स्वागत गेट जो कुछ इस प्रकार दिखता है। और अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखती है टिकट खिड़की जहां से आप टिकट खरीद सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही आपको कुछ ऐसी कुटिया देखने को मिलती है जो 60 के दशक में निर्मित हुई थी। यह कुटिया 2 मंजिला कुटिया हैं। इनके अंदर ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। कुटियों को पर्यटकों के लिए आकर्षित बनाने के लिए दीवारों पर कुटियाओं के अंदर पेंटिंग की गई है जो कि इन्हें और भी आकर्षित बनाती है। खंडरों में तब्दील हो रखे इन घरों व कुटियाओं के अंदर आपको शानदार पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी।
पेंटिंग्स के अलावा यहाँ आपको शुद्ध सरल पेंटिंग भी दिखेंगी, जैसे कि ये। यहाँ पर विजिटर अपने प्यार को कोयले से लिख के चले जाते हैं, ऐसा आपको हर एक बंद पड़े खंडर में देखने को मिलेगा। ये है आनंद भवन और सिद्धि भवन। कहते हैं यहाँ पर जो भी साधक आते थे, जो भी शिष्य आते थे, जिनकी ट्रेनिंग चलती थी, वो यहीं पर रहते थे। यहाँ देखने लायक और एक्सप्लोर करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप कभी ऋषिकेश आते हो तो बिट्टल्स आश्रम जरूर आइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।